राज्य के स्कूल्स में 6 जून को गर्मी की छुट्टियां खत्म हो रही हैं, लेकिन 7 जून से स्कूल फिर से शुरू नहीं हो पाएंगे। कोरोना के वर्तमान हालात और तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच नया सेशन भी ऑनलाइन के सहारे चलता नजर आ रहा है। शिक्षा विभाग कोरोना की रफ्तार के ग्राफ पर नजर रखे है। राज्य में कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल 15 मार्च 2020 से बंद है। ये बच्चे 2 कक्षाएं बिना परीक्षा ही प्रमोट हो चुके हैं। कक्षा 6 से 9 तक के बच्चों भी 2 कक्षाएं बिना परीक्षा ही पास कर चुके हैं। करीब 40 लाख बच्चों और उनके अभिभावकों को नए सत्र से काफी उम्मीदें थी। अभी दूसरी लहर थमी नहीं है कि तीसरी लहर की आहट होने लगी है। इस बीच शिक्षा विभाग ने 7 जून से स्कूल नहीं खोलने पर मंथन शुरू कर दिया है। अगले कुछ दिनों में एक रिपोर्ट तैयार कर शिक्षा सचिव को भेजी जाएगी, जिसके आधार पर स्कूल्स को फिलहाल बंद रखने की सिफारिश हो सकती है। मई के अंतिम सप्ताह तक कोरोना के आंकड़ों और शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के आधार पर सरकार स्कूल के बारे में निर्णय करेगी। इस बीच कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों की छुट्टियां तय है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक और अधिकारियों से कोरोना का अपडेट ले रहे हैं, ताकि सरकार को हालात से अवगत कराया जा सके। अगर कोरोना की दूसरी लहर थम जाती है तो शिक्षा विभाग की पहली प्राथमिकता 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा आयोजित करवाना होगा। राज्य में 10वीं के स्टूडेंट्स को बिना परीक्षा ही पास करने की मांग अब जोर पकड़ रही है। विभाग की दूसरी प्राथमिकता कक्षा 9 व 10 की पढ़ाई शुरू करवाना होगा। इसके बाद कक्षा 6 से 8 तक की क्लासेस शुरू होगी। कक्षा 1 से 5 तक शुरू करने का अंतिम विकल्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DPK न्यूज, जयपुर।